नमस्कार दोस्तों दोस्तों हम स्पेशल स्टडी मटेरियल बाय अनिल कुमार यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ अनेकार्थी शब्द का पार्ट थर्ड, जो कि RRB PO कलर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। UP SSC वीडियो रेलवे UPPCL और भी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के अंतर्गत पूछे गए विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन जो है इस वीडियो में मैंने इंक्लूड किए हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आज के इस वीडियो में आइए देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो कि आप लोगों की आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी हो सकते हैं। दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51, चंद्रमा, शंख, कपूर किस शब्द के अनेकार्थी हैं। तो दोस्तों चार ऑप्शन दिए हुए, अब्ज, अच्युत, अनंता और आकार। तो दोस्तों इसमें से एक जो है इन तीनों के अनेकार्थी शब्द है, एक इन चार में से एक है। तो आप लोगों को यही बताना है कि इन चार में से वो कौन सा एक शब्द है। तो दोस्तों वो राइट ऑप्शन है ए, यानी कि अब्ज जो है चंद्रमा, शंख, कपूर का अनेकार्थी शब्द है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन है पानी किस शब्द के अनेकार्थी हैं। पानी जो है किस शब्द का अनेकार्थी है, प्रतिष्ठा, पारा, युक्ति, दूध। तो इन चार में से कौन सा राइट ऑप्शन हो सकता है आप सोचिए। 52 क्वेश्चंस का आंसर होगा ए, प्रतिष्ठा। 52 का जो प्रतिष्ठा जो है इसका अनेकार्थी शब्द होगा। अगला क्वेश्चन, विधि शब्द का अर्थ कानून, विधि शब्द का अर्थ कानून है, तो दूसरा अर्थ क्या होगा आपको यही बताना है कि विधि का शब्द का अर्थ कानून है तो दूसरा उसका अर्थ और भी क्या हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 53, तो इसका दोस्तों राइट ऑप्शन इसका भी ए होगा, यानी कि कानून। तो इसका दूसरा अर्थ जो है वो भी कानून है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54, फन शब्द का अनेकार्थी नहीं है। फन शब्द का अनेकार्थी नहीं है क्या, परिणाम, मेवा, लाभ, अर्क। तो इन चार में से एक जो है सही उत्तर है। तो आइए दोस्तों देखते हैं कौन सा इसका सही उत्तर है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों डी, यानी कि अर्क जो है एक फन का अनेकार्थी शब्द नहीं है। अगला क्वेश्चन, द्विज का अनेकार्थी फिर से कोई, दोस्तों ये क्वेश्चन जो देखो रिपीट हो चुका है, मैंने पिछली बार जो क्वेश्चन कराया था उसमें भी आया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि ये सब क्वेश्चन कितनी बार जो है एग्ज़ाम में इनका रिपीटेशन हो रहा है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप इन क्वेश्चंस को बिल्कुल रट लीजिए। कई बार आप जो है इस वीडियो को देखिए और जो है इन जब आप बार बार इन क्वेश्चंस को पढ़ेंगे तो आपको ये एक हिसाब से फ्लो फ्लो में जो है रट जाएंगे। तो आप इस वीडियो को कई बार देखिए और ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उन्हें आप अपने लिए जो है उपयोगी बनाइए। तो आइए देखते हैं 55 का क्या आंसर हो सकता है। द्विज का अनेकार्थी दांत, वस्त्र, जल, अंडज। तो 55 का दोस्तों राइट आंसर होगा ए, यानी कि दांत जो है द्विज का अनेकार्थी है। अगला क्वेश्चन, अब्ज का अनेकार्थी नहीं है। अभी आपने क्वेश्चन देखा था पहला क्वेश्चन, तो उसी में से अब क्या पूछा है कि अब्ज का यहाँ पर अनेकार्थी नहीं है, तो कौन सा नहीं है, कमल है, चंद्रमा है, शंख है, वर्षा है। तो 56 का दोस्तों आंसर होगा डी, यानी कि वर्षा जो है इसका अनेकार्थी शब्द नहीं है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, खर का अनेकार्थी नहीं है। खर, गधा, प्राणी, नदी, कमल। तो इन चार में से कौन सा इसका सही उत्तर हो सकता है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ए, यानी कि गधा, ये खर का अनेकार्थी है। अगला क्वेश्चन, गो, गो का अनेकार्थी इंद्रिय, काढ़ा, बाज, पक्षी। तो 58 का सही ऑप्शन है दोस्तों ए, यानी कि इंद्रिय, ये जो है गो का अनेकार्थी शब्द है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, नाग शब्द का अनेकार्थी नहीं है। नाग शब्द का अनेकार्थी क्या नहीं हो सकता है, हाथी नहीं, हाथी, सांप, पर्वत, वाणी। तो 59 का दोस्तों राइट ऑप्शन होगा यहाँ पर डी, यानी कि प्राणी जो है इसका नहीं हो सकता, सॉरी माफ़ कीजिएगा, वाणी
वाणी जो है नाक का अनेकार्थी नहीं हो सकता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 60, सारंग का अनेकार्थी है। सारंग का जो है अनेकार्थी क्या हो सकता है यहाँ पर, जल, सिंह, घना, सत्तु। तो 60 क्वेश्चंस का जो राइट ऑप्शन होगा दोस्तों यहाँ पर आप लोगों के लिए ये है बी, यानी कि सिंह जो है सारंग का अनेकार्थी है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, रस का अनेकार्थी नहीं है। रस शब्द का अनेकार्थी कौन नहीं है, अर्क है, ठप, सत्तु, बादल। तो इन चार में से कौन सा हो सकता है, तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन है डी, यानी कि बादल जो है रस का अनेकार्थी शब्द नहीं है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अमृत का अनेकार्थी नहीं है। स्वर्ग, जल, पारा, दूल्हा। तो इन चार में से कौन सा सही ऑप्शन हो सकता है, तो इसका सही ऑप्शन यहाँ पर फिर से है डी, यानी कि दूल्हा जो है अमृत का अनेकार्थी नहीं है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, तरंग, तरंग का अनेकार्थी नहीं है। फिर से बताना है यानी कि अनेकार्थी इनमें से कौन नहीं है, बाकी जो है उसके अनेकार्थी होंगे। जो ऑप्शन इसका सही होगा वो इस शब्द का अनेकार्थी नहीं होगा। तो 63 का दोस्तों राइट ऑप्शन जो है वो है डी, यानी कि पैना। पैना जो है इसका अनेकार्थी नहीं है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन ये है कि धवल का अनेकार्थी, धवल का अनेकार्थी क्या होगा, निष्कलंक, आकृति, संख्या, बादल। तो इसमें से कौन सा अनेकार्थी है, यानी कि एक जो राइट ऑप्शन है वो अनेकार्थी है बाकी नहीं है। तो 64 का दोस्तों राइट ऑप्शन होगा यहाँ पर ए, यानी कि निष्कलंक जो है इसका अनेकार्थी है। अब यहीं पर 67 क्वेश्चन हम देख लेते हैं। 67 यानी परिकर का अनेकार्थी नहीं है, कर्मबद्ध, परिवार, समूह, क्षत्रिय। तो 67 का राइट ऑप्शन होगा दोस्तों यहाँ पर डी, यहाँ पर डी जो है इसका दोस्तों राइट ऑप्शन है यहाँ पे। तो यानी कि क्षत्रिय जो है इसका राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पत्र का अनेकार्थी है, यानी 65, पत्र का अनेकार्थी पत्ता, जल, वर्षा, पर्वत, यानी कि इनमें एक जो है उसका अनेकार्थी है। तो आइए देखते हैं कौन सा इसका हो सकता है क्वेश्चन नंबर 65 का। तो 65 का दोस्तों यहाँ पर होगा ए, यानी कि पत्ता जो है उसका अनेकार्थी है। अगला क्वेश्चन है 68, पयोधर का अनेकार्थी है। पयोधर, स्तन, चंद्र, आँख, सोना। तो इसका राइट ऑप्शन यहाँ पर फिर इसका भी जो है राइट ऑप्शन ए है, यानी कि स्तन। अगला क्वेश्चन दोस्तों, बल का अनेकार्थी है। बल, बलिदान, उपहार, कर, मंडल। तो 66 का राइट ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पर डी, यानी कि मंडल। बलि का जो है अनेकार्थी है वो है मंडल। और 69 क्वेश्चन, वस्त्र, आकाश, मेघ, बादल किस शब्द के अनेकार्थी हैं। इन चार में से आपको ये बताना है कि वो कौन सा ऑप्शन है जिसका ये अनेकार्थी है, अंबर, सारंग, गो, सही या फिर सभी गलत हैं। तो क्वेश्चन नंबर 69 का ए होगा यहाँ पर राइट ऑप्शन, अंबर। अंबर जो है का सही ऑप्शन है। तो दोस्तों आज आज के वीडियो में बस इतना ही, और मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो में लाता रहूँगा। और आई होप ये वीडियो जो है आप लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध हो रहे होंगे, और आप ऐसे ही हमारी वीडियो को देखते रहिए और अपने सजेशन, महत्वपूर्ण सजेशन देते रहिए कि मैं अपने वीडियो में और भी क्या बेहतर कर सकता हूँ। और अगर आपसे आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उसे भी जान सकते हैं, मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अब आपसे हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।